हेलो, आई एम विशाखा, वेलकम टू आफ्टर खिड़की। आज मैं जा रही हूँ खंडोबा मंदिर, जो स्थित है मुड़गांव में। अभी हम आए हैं बदलापुर स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी करके, जिसका कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर पर्सन, तो काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कोई बस वगैरह अवेलेबल नहीं है। अभी हमें टैक्सी वाले ने ड्रॉप किया है मुड़गांव गांव में। अब यहाँ से कुछ थोड़ी देर चलना है, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैं आई हूँ इस रास्ते से और अभी हमें मिला है ये गेट, यहाँ से चलते हैं आगे। अभी मैं जिस गांव में आई हूँ उसका नाम है मुड़गांव और अभी मैं जा रही हूँ वो है खंडोबा मंदिर। अभी मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ से हम मंदिर को देख सकते हैं। अभी हमें जाना है वहाँ पर, चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ प्रवेश द्वार पर, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बारिश के मौसम में कहीं भी घूमने के लिए अच्छा ही लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर खेत भी है, खेत के सामने ही है बहुत सुंदर फूल। और खेत और फूल देखने के बाद अब हम चलते हैं प्रवेश द्वार की तरफ। प्रवेश द्वार से एंट्री लेते ही सामने आपको यहाँ पर पूजा के थाली के शॉप्स भी देखने मिलेंगे और साथ ही में उसके बाजू में है छोटा सा होटल, जहाँ पर आपको नाश्ते से लेकर खाने के भी ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलेंगे। अभी हम मेन गेट से आए हैं और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ स्टेयर्स देखने मिल रही है, देखते हैं कितनी स्टेयर्स है, मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर आते ही हमें छोटा सा मंदिर देखने मिला है और ये है स्टेयर्स। ये मंदिर है मासा देवी का। अभी मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, अभी हम चढ़ रहे हैं सीढ़िया, देखते हैं ऊपर कितनी सीढ़िया है, मैं आपको बताती हूँ। चलते हैं ऊपर की तरफ। मंदिर के आगे ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर खंडोबा भगवान के चरण के कुछ निशान भी यहाँ देखने मिलेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पर आना कैसे है। पहले आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से बदलापुर आना है। बदलापुर स्टेशन के बाहर ही आपको इस साइड में शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी से आपके जो चार्जेस है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। बदलापुर स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी आपको 10 मिनट में मुड़गांव में छोड़ देगी। वहाँ से कुछ 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है मंदिर का मेन गेट। मेन गेट से ऊपर की तरफ अभी कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाकर। अभी हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं चलकर कुछ 10 मिनट और यहाँ पर एक अंकल मिले थे, उन्होंने बताया कि और 10 मिनट ऊपर की तरफ सीढ़ी चढ़ना है। हम अभी इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि हमें मुड़गांव का व्यू देखने मिल रहा है। हम यहाँ से स्पॉट कर सकते हैं मुड़गांव, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ही आप मंदिर के पास आओगे आपको मंदिर के नीचे ही हाथ और पैर धोने के लिए एक जगह दी गई है, जहाँ पर आप आपके हाथ और पैर धोकर आगे की तरफ बढ़ सकते हो। अभी हम आए हैं और अभी हमें यहाँ पे अपने सैंडल्स उतारने हैं और फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। और अभी हम ऑलमोस्ट खंडोबा मंदिर में पहुंच चुके हैं। पूरी 565 स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं खंडोबा मंदिर। नीचे हाथ और पैर तो धोए ही है, तो सबसे पहले हम चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर जाते समय आपको मंदिर के सामने एक टर्टल और छोटे से ब्लैक रॉक से बने हुए नंदी जी की प्रतिमा आपको देखने मिलेगी। मंदिर में आपको खंडराय भगवान की प्रतिमा देखने मिलेगी, जो भगवान शिव जी के ही प्रतीक है। और उनके सामने है छोटी सी गणपति बप्पा की प्रतिमा। यहाँ पर आपको 3 शिवलिंग भी देखने मिलेंगे, जिनके 3 नाम है, वो है खंडोबा, महर्षाबाई और बानो।
दर्शन करने के बाद हम चलते हैं मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर जाते ही आपको सामने कुछ ऐसा व्यू देखने मिलेगा। मंदिर पहाड़ के ऊपर होने की वजह से यहाँ चारों तरफ आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने मिलेंगे। एक तरफ है छोटे छोटे गांव, दूसरी तरफ है पूरा ग्रीन फॉरेस्ट एरिया। मंदिर के राइट साइड में ही आपको बहुत ही बड़ा दीप स्तंभ देखने मिलेगा जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। मंदिर के पीछे के साइड आपको यहाँ पर कुछ बेंचेस देखने मिलेंगे जहाँ पर आप बैठ कर अपना व्यू इंजॉय कर सकते हो। ऊपर आके मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, आते हुए थोड़ा थक गए थे पर अभी अच्छा लग रहा है ऊपर आके, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसे व्यू देखने मिलेगा। खंडोबा मंदिर में माघ महीने में बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है और साथ ही में यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है, तो आप अगर चाहो तो माघ महीने में आके आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। अगर आपको कैमरे में दिख रहे तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज है। अभी यहाँ पर मैं बैठी हूँ और आपको यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाइज भी देखने मिलेंगे और बहुत सारी चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है और हवा भी, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। अभी दर्शन करके हो गए और थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, फिर चलते हैं और अपना व्यू एंजॉय करते हैं। अगर आप मुंबई के आसपास ऐसी कोई जगह देखना चाहते हो तो खंडोबा मंदिर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, शांत और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और कौन सी जगह के आप वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो एक स्माइली मुझे ज़रूर करना। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।